बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यार कुछ भी को मानना तो पड़ेगा ये टोनी नामक लिरिक्स के राक्षस को, जिन्होंने ठेका ले रखा हम रोस्टर का धंधा पानी चलाने का। मैं तो खामखा कल परेशान हो रहा था यार, क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा था यार। कंटेंट इधर उधर भटक रहा था कंटेंट ढूंढने के लिए, फिर भी कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक ही इंस्टाग्राम को कितना बार निचोड़ो यार, उससे कितना बार निचोड़ के कंटेंट निकालूं। सही बात। तभी देसी म्यूजिक फैक्ट्री वाले का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है उसे। और नोटिफिकेशन आते भाई हमारा दिल खुश हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाएगा। और कंटेंट तो कुछ ना कुछ की बहुत बड़ा कंटेंट मिल गया, जो इस प्रकार कंटेंट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई मुझे समझा होगी कि हनी पाजी को आखिर क्या मुसीबत आई होगी जो इस गाने में दिखने को मिल रहा है, वो भी लिरिक्स के दानव के साथ। पहले कितना सही जमाना हुआ करता था यार, हनी सिंह इतना अच्छा अच्छा गाना दिए बॉलीवुड को, और अब भाई साहब ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने लिरिक्स को एक बोतल में घोल के और सारे सिंगर को पिला दिया हो, और कुछ ज़्यादा ही पी लिए थे मतलब टोनी नामक राक्षस ने। तभी देख लो उसके हर गाना ना लिरिक्स को ना इतना घोल के मारते हैं, क्या बताएं यार कसम से यार। रहने दो, मैं जा रहा हूँ इस गोले से, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं छत लांग मारने जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं बहुत हो। यार लिरिक्स का भी दम घुट जाता होगा जब टोनी नामक राक्षस लिरिक्स लिखने बैठते होंगे, लिरिक्स भी कहता होगा अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या। क्योंकि मैं चूतिया हूँ। म्यूजिक, ये क्या लिरिक्स है, राजा तेरे महल के पीछे पीछे पीछे, तेरे बगीचे के नीचे नीचे नीचे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फिर से टोनी भैया भांग का सेवन करके फिर लिरिक्स लिखे। जैसे कि तुम लोगों को पता है टोनी नामक राक्षस का गाना है, और उसमें एक शब्द को 1770 बार रिपीट न करा जाए भाई साहब कसम से उसका गाना कंप्लीट नहीं होता। उसके गाना में दो ही चीज कॉमन होती है, एक वो जो एक शब्द को 1770 बार रिपीट करे, दूसरा अहा हूँ, बस उसके गाना दो ही चीज पे टिकी हुई होती है। और तीसरा चीज ढूंढने की कोशिश करो भाई साहब, तुम आगरा पहुंच जाओगे लेकिन उसके गाना में तीसरा चीज कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या बात करता है यार। कांटा लगा सॉन्ग का मैंने टीजर देखा, फिर मैंने अनुमान लगा कि हो सकता है पहले वाले सॉन्ग से अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हनी पाजी भी है ना, लेकिन पहले वाले सॉन्ग की तरह इसमें भी हक दिया। नहीं, हम पहले कह रहे थे गधे के बच्चे। देखो यार, ज्यादा कांटा लगा सॉन्ग की क्लिप यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम नाम की भी कोई चीज होती है। सही बात। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब टोनी कंकर पैदा हुआ था तब उन्होंने अंधेरी रातों में कसम खाई थी कि जब तक हम इस गोले पे रहेंगे, कोई भी गाना हो कोई भी लिरिक्स को, जब तक हम उनकी अच्छी तरह से मान न ले तब तक हमारे पैदा होना भी असफल ही रहेगा। हो सकता है उन्हें ही पूरा करता हो। शर्म करो, भगवान से डरो। तो यार आज की वीडियो को यहीं पे खत्म कर दे। मुझे नहीं पता कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बटन को मोम फेंक के मारो या हथौड़ी फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो लेकिन सब्सक्राइब हो जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगले वीडियो किस पे आ रही है।